बाल का राज। ओहो, ये देखिए बाल इनके कितने लंबे, इनके बालों का राज पता क्या? बालों का राज पता क्या है? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। और अपनी शॉप में पहुंची हूँ आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि कुछ दिनों मैं घर पे ही रह रही थी। मैंने आपको बताया था आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है और बहुत सारा आलस बना रहता है और मेरे से चल के भी नहीं होता। इतना ज़्यादा मोटापा हो गया है, इतना ज़्यादा वेट हो गया है। अभी लास्ट मंथ मैंने चेक किया था, उस टाइम मेरा लास्ट वीक मैंने चेक किया था, उस टाइम मेरा 71 वेट था। तो बहुत ज़्यादा वेट मेरा भी गेन हुआ है और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। ज़्यादा देर बात भी नहीं होता, अभी देख रहे हो गया सांस फूल रही फिर ज़्यादा बोलते बोलते भी। तो मैं पास बहुत दिनों बाद आई हूँ और मैंने सोचा आज थोड़ी सी फ्रेश हूँ तो साथ में ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। और गाइज चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते हो, तो करिए। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे ही मेरे ब्लॉग बहुत लेट आते हैं और काफ़ी टाइम भी हो गया मुझे चैनल को बनाते हुए, लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल से भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइज़ अभी शॉप पे पहुँची हूँ। आज मौसम भी कुछ ऐसे ऐसे, कभी धूप लग रही है और कभी बादल आ रहे हैं और गर्मी अभी भी बहुत है। मतलब बारिश काफ़ी टाइम हो गई बीच में, फिर भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलो, अभी आजकल रक्षाबंधन चला हुआ है तो मैंने रक्षाबंधन की राखियाँ भी रखी हुई है यहाँ पर, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, अब रक्षाबंधन भी आ रहा है तो यहाँ पर मैंने देखिए राखियाँ रखी हुई है। मतलब सस्ती है ये, 2020 की दे रही हूँ मैं। और ये वाली बहुत खूबसूरत है, देखिए गणपति बप्पा वाली, ये 10-10 की है। अगर आपने ख़रीदनी है तो मेरी शॉप में आ सकते हो, आप बस स्टैंड में ही साइन में मेरी शॉप है। तो थोड़ी सी मैंने राखियाँ रखी हुई है और आज बहुत दिनों बाद शॉप पे आई हूँ तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा मोटापा भी हो गया है मेरा। ये देखिए, ये भाभी जी ने मुझे नाशपाती दी थी, अभी मैं यही खा लेती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है डाइट का, मतलब फल फ्रूट वगैरह ये सब खाने पड़ते हैं ताकि मैं हेल्दी रहूँ। अभी मैंने ये अच्छे से धो ली है, अभी मैं इसको काट के खाती हूँ बैठ के। अभी यहाँ पर एक मेरे क्लाइंट भी आ गए, एक मिनट। तो अभी करती हूँ मैं थ्रेडिंग इनकी। इससे पहले ना क्लाइंट आ गए तो मैंने उनकी थ्रेडिंग कर ली पहले, तो अब जाके मैं बैठी हूँ। तो अभी देखिए गाइस, इस सिचुएशन में ना हेल्दी रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं फ्रूट्स वगैरह खाती रहती हूँ और जो भी हेल्थ के लिए अच्छा अच्छा होता है, आने वाले मेहमान के लिए भी अच्छा अच्छा हो, तो मैं ये सब करती रहती हूँ। आपको भी कुछ पता होगा कि हमें ये खाना चाहिए डाइट में, अपनी ये ऐड करना चाहिए, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना, तो मैं ज़रूर वो करूँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ क्योंकि बस में मैं ट्रैवल करके आई हूँ और यहाँ शॉप पर भी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो थोड़ी देर बीच में मैं लेटती रहती हूँ अंदर। तो अभी मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, तब तक कोई ना कोई आ जाता है। और वैसे भी खाने के साथ साथ रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मुझे ना बार बार उठना पड़ता है रेस्ट करने के बाद, क्लाइंट आ जाते हैं फिर मैं दोबारा से उठ जाती हूँ। फिर अभी थोड़ी देर में लंच टाइम हो जाएगा तो मैं लंच भी करूँगी। देखिए गाइज, अभी हमारे दोस्त आए हैं, इनकी शादी हुई है नई नई। Hi guys. ये है मनु की फ्रेंड, कुछ दिनों पहले इसकी शादी हुई है और ये आज आए हुए हैं शॉप पे। मैं भी काम कर रही थी बाल का।
बाल। ये देखो बढ़िया हो गया सीधे काट के। हेलो हेलो गाइस, कहाँ जा रहे हो अभी आप? चलो अभी हम सावन महीने की लास्ट खीर है, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये मुझे बुलाने आए अभी, चलो खीर खाने चलो। आप भी खाएंगे खीर? हम भी खाएंगे आपके साथ। चलो फिर चलो गाइस। अब भाभी जी पता नहीं मुझे अभी कहाँ लेके जा रहे हैं खीर खाने। चलो चलो आप देखो खीर खा खा के आजकल सावन महीने में मजे ही लगे कुछ और क्या। मेरा बड़ा बिंदा तो इतना दूर से दिख रहा है। ये तो दिखेगा अब इतना बड़ा लगाएंगे तो। बुरे खीर वाले। नमस्ते, ब्लॉग बना रहे। हाँ देखिए ये देखिए शॉप है इनकी, मेरे शॉप से थोड़े से ऊपर। यहाँ पर नाम क्या है? हाँ ठाकुर स्वीट्स नाम से इनकी शॉप है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी स्वीट्स हैं, ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश। और ये मेरी स्पेशली फेवरेट है। थैंक यू जी, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। फिर हमने अन्नू को भी साथ लेके आई मैं आज खीर खाने। देखने में तो काफी अच्छी लग रही है खीर, कैसी है गाइज? हमने टेस्टी टेस्टी खीर खाई और ये देखिए साथ भी लेके जा रहे हैं। गाइज पता क्या है, अपने पति को हमारे खून में ऐसा है ना, मतलब जो घर में रहे ना उनके लिए हम जरूर ले जाते हैं टिफिन। तो दाम क्या से? है, मतलब मायके में ऐसा है ना, ससुराल में भी मैंने ऐसी रीत बनाई है। अब मेरे पति रहे थे मेरे हस्बैंड तो उनको भी लेके जा रहे हैं, खीर लेके जा रही हूँ। तो मतलब खुद खाते कहीं मतलब, भी अगर हाँ, फिर साथ घर को भी लेके जाते हैं, ले जाती हूँ पल्लू। गाइस जब हम आए थे तो यहाँ पर मेरी शॉप में क्लाइंट आ गए थे, मैंने अभी उनकी थ्रेडिंग वगैरह कर ली और अभी मैं हो गई हूँ फ्री। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में भंडारा खाने और खीर खाएंगे। तो अभी भाभी जी मुझे बुला रहे हैं तो अभी मैं फटाफट से चलती हूँ, आपको मंदिर में दर्शन भी करवाएंगे देवता जी के। गाइस अभी हम जा रहे हैं मार्केट से होके साइड तक। ये देखा ये हमारे आंटी है जो शर्माते रहते हैं। बाल का राज। ये देखिए बाल इनके कितने लंबे, इनके बालों का राज पता क्या? बालों का राज पता क्या है? मैं बताऊं क्या है वो? हां क्या है? सर्फ एक्सल। सर्फ एक्सल नहीं, ये वो सर्फ एक्सल। सर्फ एक्सल भी लगाते हैं बालों में। सर्फ आदिवासी तेल नहीं है वो, झूठ बोलते हैं ये। सर्फ भी लगाते ही है, सबसे पहले तो यूज सर्फ करते थे, बाद में शैम्पू आया। ओहो माय गॉड, बाल देखो बोलते हैं कि सर्फ से बाल जाते हैं, कोई ना जाते इनके नहीं। आप आपके बालों का राज क्या है? मैं अपने बालों का राज नहीं बता सकती ना। गाइस अभी हमारे साथ और भी साथी आ गए हैं, हम खीर खाने जा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ सैन पुल पर। ये देखिए गाइस अभी ये वाला पुल नया पुल है। देखो गाइस हमारे चाची के बाल कितने लंबे हो गए, कहने हैं बाल तो होला ना करो, आपके बाल है दिखाने लायक। तो फ्लड आ गया ना। ये देखिए यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, हम यहाँ भी दर्शन करने आए हैं। भाभी जी और ये आंटी जी भी आए हैं हमारे साथ। हो गए हैं माता रानी के खूबसूरत दर्शन, तो अभी हम जाएंगे भंडारा खाने। आज यहाँ पर खीर दे रहे हैं मंदिर में, तो अभी चलते गाइस। ये वो बंदा है जो लाइट चलते है ना ट्रेन में, जब बाहर आई थी ये बंदा लाइट डाल। पहचाना आपने? ये गाना पहचाना चाहिए से। पहुंच गई हूँ शॉप पे, शॉप पे पहुंची, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पहुंची तो यहाँ पर देखा कि लाइट ही नहीं है, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं ऐसे ऐसे करके कर रही हूँ। तो गाइस अभी देखिए यहाँ पर आई है मनु, और मनु अभी आईटीआई गई थी तो अभी शॉप पे पहुंची है मेरे। तो अभी ये लेके आई है यहाँ पर लेस खाने के लिए अंकल चिप्स। मैं तो मतलब खाना खा के काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने बोला था गाइस इसको मतलब कॉल करी थी, इसने उठाया नहीं था, फिर इसको मिस हो गया आज का भंडारा, खीर का भंडारा। खीर भी नहीं मिली थी। गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, तो हम बैठ गए अभी बस में, अभी मैं जाऊंगी मनु के घर तक, फिर मनु की मम्मी को पूछेंगे कि हमारे घर आ रही है या नहीं। मतलब अभी हमें अर्जी देनी है खीरों पास हो गई। हाँ इसका कोई पता नहीं अभी, देखते हैं कि कंटिन्यू ब्लॉग सिंगल में होता है या। गाइस अभी हम उतरे हैं बस में से, अभी मनु जा रही है हमारे घर, तो हम अभी रोड में से चल के जा रहे हैं घर तक। तो
तो अभी फटाफट से पहुंचते हैं घर पे, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या बनाते हैं खाने के लिए मन्नू के लिए आज। और स्पेशल तो कुछ नहीं होगा गाइस, उम्मीद में मत इसको आज मूंग की दाल खिलाएंगे और चावल सिंपल सिंपल मेहमान सिंपल खान पान। तो चलिए गाइस, अभी गाइस हम पहुंच गए घर पे। ये देखिए मन्नू अभी रेडी हो चुके हैं बढ़िया रील बनाने के लिए, और मेरे लिए बढ़िया इसने चेयर लाई है बैठने के लिए ताकि मैं इसकी अच्छी अच्छी रील बना सकूं। और मैं यहाँ पर बैठ के मैंगो काट रही हूँ और खा रही हूँ। गाइस ये हमारा चिली चीज है जो बहुत ही यम्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, और ये अभी सैलेड काट रहे और खा भी रहे और खा भी रहे गाइस, बहुत ही यम्मी डिनर होने वाला है। संजू भाई ये देखिए अभी कर रहे हैं डिनर, और ये लेके आए थे खाना भंडारे का अभी गाँव। ओहो ऊपर से लगे देखिए गाइस, खीर है, कड़ी है और दाल है, दाल में थोड़ी कड़ी भी चली गई है। तो चलिए करते हैं अभी डिनर टेस्टी, गर्मी के मारे हुए प्राणी गाइस जो बाहर बैठ के टेरेस पे आनंद ले रहे हैं हवा का है। और अपने रूम में आ गए हैं, ये ना भी वीडियो को एडिट कर रही है जो मैंने अभी तक इसकी वीडियो बनाई है, वीडियो बना बना के इसने मुझे थका दिया आज, तो बहुत सारी वीडियोस बनाई है इसने, तो अभी इसकी बारी बारी करके इंस्टाग्राम पे आती रहेगी ये मनू जट 777 इसके इंस्टाग्राम आईडी है, तो इसको फॉलो कर देना और इसकी सारी वीडियो देखना कि इसने मेरे से कितनी वीडियो बनवाई है और मेरे को कितना ज़्यादा थकाया है आज। अभी डिनर भी हमारा हो चुका है और हम आ गए हैं रूम में। गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना वीडियो को। अभी के लिए फ़िलहाल ये ब्लॉग इधर ही इतना ही है, अभी थोड़ी देर हम लोग अपने मारेंगे फिर सो जाएंगे, और अभी लड्डू जी को भी सुलाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।